We know we lost against RRQ 2-0 and it's a result that nobody wanted. But for those जिसने मैच नहीं देखा, this is the match summary of how things went against RRQ. RRQ के मैप पे फ्रैक्चर में हमने डबल डुअलिस्ट कॉम्ब के साथ शुरुआत करी, जहाँ पे फर्स्ट हाफ 6-6 के स्कोर लाइन से एंड हुआ और जहाँ पे जी से मोनिएट एंड RRQ से ज़फ़ेरो बैक टू बैक क्लचेस निकाल रहे थे। सेकंड हाफ में दोनों टीम्स ने बहुत टफ फाइट किया, लेकिन RRQ ने अपने एग्जीक्यूट्स और गन फाइट्स पे कैपिटलाइज कर ये मैप 13-10 के स्कोर पर जीत लिया। नेक्स्ट जी के मैप पिक पर्ल पे टेक्सचर और मोनिए ने हमें एक अच्छा स्टार्ट दिया, बट इवेंचुअली RRQ पिक्ड अप पेस एंड दे एंडेड द हाफ ऑन अ स्कोर लाइन ऑफ 8-4। सेकंड हाफ में टेक्सचर और मोनिएट के साथ मिलकर पूरी टीम ने फाइट बैक किया और स्कोर लाइन को 11-11 पर लेके आया, बट RRQ के प्लेयर्स फ्लिप, ज़फ़ेरो और लेमी मोर ने अपनी स्ट्रेंथ पर खेलकर कमबैक को रोका एंड अल्टीमेटली RRQ पुट अप अ गुड फाइट एंड वन विद द स्कोर लाइन ऑफ 13-11 ऑन द सेकंड मैप। इसके बाद हमारा ओवरऑल स्टैंडिंग 2-5 है। हाँ, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई होना अभी मुश्किल है, बट वी विल स्टिल फाइट नो मैटर व्हाट। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू एवरीवन हु शोड अप एट द दिल्ली वॉच पार्टी। यार ऐसा सपोर्ट देखकर तो मजा ही आ गया। हमारा कोलकाता एंड बैंगलोर का वॉच पार्टी लोकेशन जल्द ही रिवील होगा हमारे सोशल्स पे। See you there, G Fighting.